हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पवन सर आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने क्लास सेकंड का साइंस लेकर आया हूं। बच्चों, जिसका चैप्टर थर्ड एनिमल्स आवर फ्रेंड। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर्स को पूरा आपको पढ़ा दिया, आज मैं आपको उस चैप्टर का वर्ड मीनिंग लेके आया हूं। तो वर्ड मीनिंग्स को आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा और लिखिएगा ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। वर्ड मीनिंग्स को आप लोग ध्यान से व्हाइट बोर्ड पे यहाँ लिखा गया है, देखिए मैं इस पर पढ़ दे रहा हूं, दो बार पढ़ूंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। पहला आपका बी ई एस टी, बेस्ट, अच्छा। फिर अगला एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड, मित्र। तीसरा एच ई एल पी, हेल्प, मदद। अगला बच्चों एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर, भविष्य। नेक्स्ट है एन ए टी यू आर ई, नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। नेक्स्ट है बच्चों आपका डी ओ एम ई एस टी आई सी, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। नेक्स्ट है आपको बच्चों सी एच डबल ई एस ई, चीज, चीज मतलब पनीर। अगला सी यू आर डी, कर्ड, कर्ड मतलब दही। नेक्स्ट एम ई ए टी, मीट, मीट मतलब मांस। अगला पी ई टी, पेट, पेट मतलब पालतू। नेक्स्ट है आपका डब्लू डबल ओ एल, वूल, वूल मतलब ऊन। फिर से आप देखिए, पहला बी ई एस टी, बेस्ट, अच्छा। दूसरा एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड, मित्र। तीसरा एच ई एल पी, हेल्प, मदद। नेक्स्ट एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर मतलब भविष्य। एन ए टी यू आर ई, नेचर, प्रकृति। अगला है आपका डी ओ एम ई एस टी आई सी, डोमेस्टिक, घरेलू। अगला आपको बच्चों सी एच डबल ई एस ई, चीज, पनीर। नेक्स्ट सी यू आर डी, कर्ड, दही। अगला बच्चों एम ई ए टी, मीट, मांस। इसके बाद पी ई टी, पेट, पालतू। लास्ट डब्लू डबल ओ एल, वूल, वूल मतलब ऊन। तो ये बच्चों आज आपका आधी वर्ड मीनिंग्स हो गई, लास्ट आगे की बची वर्ड मीनिंग्स को मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।